अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन 125 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रख ली शपथ। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी भारतीय मूल की कमला हैरिस। हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने ट्रंप सरकार के कई फैसले को पलटा। पेरिस एग्रीमेंट और विश्व स्वास्थ्य संगठन में फिर शामिल होने का ऐलान किया। शपथ के बाद बाइडेन ने की अमेरिकी नागरिकों से एकजुट रहने की अपील। कहा, हर तरह का भेदभाव खत्म करेंगे। आज लोकतंत्र का दिन है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप पर साधा निशाना। कहा कि कैपिटल हिल हिंसा से लोकतंत्र की नींव हिली। ताकत और लाभ के लिए झूठ बोले गए। कोरोना से मारे गए लोगों को भी बाइडेन की श्रद्धांजलि। बाइडेन ने कहा कि सभी चुनौतियों का हम मिलकर सामना करेंगे। अमेरिका की कमान संभालने के बाद नए राष्ट्रपति ने पास इंटरव्यू किया। जो बाइडेन ने सेना की सलामी दी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो बाइडेन आखिरकार व्हाइट हाउस पहुंचे। परिवार के साथ पैदल चलकर व्हाइट हाउस तक पहुंचे। व्हाइट हाउस में दाखिल होने से पहले बाइडेन ने अपनी पत्नी को गले लगाया। बाइडेन और उनकी पत्नी सबसे पहले व्हाइट हाउस के अंदर गए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने सिविल वॉर में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन भी शामिल हुए। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली ब्लैक महिला के सम्मान में पहनी बैंगनी ड्रेस। खुद भी प्रेसिडेंसी की थी चाहत। शपथ ग्रहण समारोह में पॉप स्टार लेडी गागा ने भी अमेरिकी राष्ट्रगान गाया। चुनाव के दरमियान लेडी गागा ने बाइडेन के समर्थन किया था। कैपिटल हिल में शपथ ग्रहण समारोह में सिंगर जेनिफर लोपेज ने किया परफॉर्म। जेनिफर ने चुनाव से पहले बाइडेन का किया था समर्थन। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपतियों का संगम। बराक ओबामा, जॉर्ज बुश समेत कई हाई प्रोफाइल गेस्ट शामिल हुए। व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया की हुई विदाई। वॉशिंगटन से एयरफोर्स वन से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए ट्रंप और मेलानिया। विदाई के दरमियान अमेरिकी सेना ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। विदाई भाषण में ट्रंप ने कहा, हमने जो किया बहुत अच्छा किया। विदाई भाषण में भावुक हुए ट्रंप। हमने अमेरिका को मजबूत करने की कोशिश की। भगवान आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। ट्रंप की विदाई के साथ ही चीन के अमेरिका के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध। पीएम मोदी ने अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी बधाई। ट्वीट कर कहा कि भारत अमेरिका के रिश्ते को हम नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने पर तमिलनाडु के गांव में भी जश्न। गांव वालों ने खुशी में मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी की। किसान आंदोलन आज 57वां दिन भी लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं किसान। आंदोलन कर रहे किसानों से सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी आज मुलाकात करेगी। पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में मुलाकात होगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर के दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता। आज सिंघू बॉर्डर के पास होटल में होगी बातचीत। आगे की रणनीति को लेकर सिंघू बॉर्डर पर आज पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की वार्ता रही बेनतीजा। अगली बैठक 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। सरकार ने किसान नेताओं को 1.5 से 2 साल तक कृषि कानून पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान नेता विचार करेंगे। सरकार के साथ बैठक के बाद संतुष्ट नजर आए किसान। कहा कि आज एक कदम आगे बढ़ी है सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि उम्मीद है कि किसान हमारे प्रस्ताव पर विचार करेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं से 26 जनवरी की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को पहचाने किसान संगठन। सरकार के साथ बैठक में किसान नेताओं ने एनआईए का मुद्दा भी उठाया है। सरकार पर एनआईए के जरिए डराने का आरोप लगाया। तोमर ने कहा कि निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बागपत में ट्रैक्टर रिहर्सल के बाद किसानों ने पार्टी रिहर्सल भी शुरू की। 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए किसानों की तैयारी। मथुरा में कृषि बिल के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। सैकड़ों ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने सरकार के विरोध में नारे लगाए। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के डैम बनाने की योजना पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। भारत के अधिकार पर बताया अतिक्रमण। जल शक्ति मंत्रालय ने जताया जल संकट बढ़ने का खतरा। 5 दिनों में देश भर में करीब 8 लाख लोगों तक वैक्सीन पहुंच चुकी है। 20 राज्यों में वैक्सीनेशन का काम जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। 5,281 करोड़ की लागत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा। पैरामिलिट्री फोर्स के 10 लाख जवानों को मिलेगी आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड। 23 जनवरी को गुवाहाटी में अमित शाह करेंगे स्कीम को लॉन्च। अमृतसर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 किलो हीरोइन, 1 AK-47 पिस्टल और गोला बारूद जब्त किया। जेल में बंद AIADMK की पूर्व नेता शशिकला की तबीयत बिगड़ गई है और बेंगलुरु जेल से अस्पताल में किया गया भर्ती। ममता बनर्जी का नेताओं को आदेश। पार्टी नेता लोगों के घर घर जाकर सरकार के विकास कार्यों को बताएं, लोगों की समस्याएं सुलझाएं।
बंगाल में ममता बनर्जी को लगा एक और झटका। शांतिपुरा से टीएमसी विधायक अमरिंदर भट्टाचार्य बीजेपी में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुकुल रॉय की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी ने किया रोड शो, रैली में शिवेंदु अधिकारी, सांसद लौकिक चटर्जी और अर्जुन सिंह भी रहे मौजूद। तांडव के खिलाफ मुंबई के चिराग नगर थाने के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। मुंबई पुलिस घाटकोपर थाने में तांडव के कास्ट के खिलाफ FIR दर्ज करती दिखी। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ दिल्ली के IP स्टेट थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। अमेजॉन इंडिया के प्रमुख समेत प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर FIR दर्ज हुई। तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दी। मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को एक बार फिर से नोटिस भेजा। जावेद अख्तर पर विवादित बयान देने के मामले में 22 जनवरी को जुहू पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा है। समर्पण निधि अभियान पर कांग्रेस नेता अजय राय ने सवाल उठाते हुए पूछा कि पहले इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए चंदे का क्या हुआ है। VHP संघ और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज से चल रहा चेकिंग अभियान। वाहनों की कंडीशन ठीक नहीं होने पर सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। टायर, साइड मिरर और गाड़ी के इंजन की भी जांच होगी। लड़कियों के मोबाइल नंबर को हैक करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर निकालकर सोशल मीडिया में डर्टी ग्रुप्स में पोस्ट करता था। बस्ती के मैरिज हॉल में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट से मैरिज हॉल में आग लगने की आशंका। फरुखाबाद में मामूली विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ पड़े। इस दरमियान दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। घटना का वीडियो वायरल हुआ। सीतापुर में बेटी को फंदे से लटका देख एक पिता ने खुद को भी मौत के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर में एक महिला ने अपने 4 साल के बच्चे के साथ जहर खा लिया। इलाज के दरमियान मां की मौत हो गई, बेटी की हालत गंभीर है। प्रतापगढ़ में हुए ज्वेलर्स लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार। 50 लाख की ज्वेलरी, एक पिस्तल और एक कार भी बरामद। बागपत में एक महिला को घर में घुसकर गोली मार दी गई है। महिला की हालत गंभीर है, आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। 2 सिपाही को गंभीर चोट आई, एक हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया। सोनभद्र में एक पत्नी ने अपने पति को डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पत्नी को हिरासत में लिया है। शिवराज सरकार ने पलटा कमलनाथ का एक और फैसला। अब विधायक अपनी निधि से सामाजिक संस्थाओं को दे सकेंगे पैसा। मध्य प्रदेश में ई टेंडर घोटाले में हैदराबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी तरीके से अपनी कंपनी के टेंडर कराने का आरोप है। खंडवा में पैराग्लाइडिंग करते वक्त हादसा हुआ है। नीचे गिरने से पैराग्लाइडिंग पायलट और एक पर्यटक की मौत हुई। कलेक्टर ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। खरगोन पुलिस ने जाली नोटों की गिरोह का पर्दाफाश किया है। अलग अलग जगहों से बरामद किए गए 30,65,000 के नकली नोट। MP के बन्ना में दबंगों ने बीच सड़क पर साधुओं को पीटा। वीडियो वायरल होने पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल में लव जिहाद मामले में पहली FIR हुई है। असद नाम के युवक ने आशु बनकर इंजीनियरिंग कर रही छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। होशंगाबाद में सफाई कर्मी ने नगर पालिका परिषद में मारा ताला। 6 महीने से वेतन नहीं मिलने पर भड़के कर्मचारियों ने जमकर किया हंगामा। लाल आतंक के गढ़ में नए आयाम गढ़ रहे हैं युवा। दंतेवाड़ा में खुली छत्तीसगढ़ ब्रांड वाली पहली गारमेंट फैक्ट्री। 500 स्थानीय लोगों को रोजगार। आपको बता दें पटना के इको पार्क में TET अभ्यर्थियों से मिले तेजस्वी यादव। सरकार पर बोला हमला, कहा हर परीक्षा में हो रहा है भ्रष्टाचार। तेजस्वी यादव की राज्यपाल को चिट्ठी पर तकरार बढ़ गई है। JDU अध्यक्ष RCP सिंह का पलटवार, कहा कि अपने माता पिता के कार्यालय में और कार्यकाल में निगाह डाले। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला। राज्य सरकार पर अपराधियों और उग्रवादियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। दानापुर में दिन दहाड़े सिविल कोर्ट में मुंशी की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रेसिडेंट बनने से पहले 27,000 करोड़ रुपए के मालिक थे डोनाल्ड ट्रंप। 4 साल में संपत्ति 8,770 करोड़ घटी। जो बाइडेन के चुनाव जीतने से लेकर शपथ ग्रहण समारोह तक अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार में 13% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। बाइडेन ऐसा विधेयक ला सकते हैं जिससे कि ग्रीन कार्ड लेने में कम समय लगेगा। ग्रीन कार्ड के 12 लाख आवेदकों में 68% भारतीय है। स्मार्टफोन बिजनेस से बाहर हो सकती है LG कंपनी। 60% कर्मचारियों को अपने दूसरे बिजनेस में शिफ्ट करेगी। डिफॉल्टर रियल्टी कंपनियों को दिवालिया करारा दिलाना अब आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अर्जी के लिए कम से कम 100 खरीदारों को होना जरूरी है। सेमीकंडक्टर दुनिया भर की ऑटो कंपनियां परेशान हैं। किसी ने प्लांट बंद कर दिया है तो किसी ने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा। EPFO से नवंबर 2020 में 10,11,000 नए सदस्य जुड़े हैं। अक्टूबर में 10,56,000 सदस्य जुड़े थे।
मंदी से बाहर निकला हाउसिंग मार्केट, मकानों की बिक्री 2019 के मुकाबले 25% और सितंबर तिमाही के मुकाबले 78% बढ़ी है। बिग बास्केट और वन एमजी में हिस्सेदारी बढ़ाएगा चाचा ग्रुप, जियो मार्ट और अमेजोन को मिलेगी टक्कर। स्टेडियम में जल्द हो सकती है दर्शकों की वापसी, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए चर्चा जारी है। गावा में ऋषभ पंत गाते दिखे थे स्पाइडरमैन गाना, आईसीसी ने तस्वीर शेयर कर कहा कि स्पाइडर पंत। स्पेन के मैड्रिड में गैस लीक होने के कारण जोरदार धमाका हुआ, ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल 3 को अपने ही नागरिकों पर दागा है, बलूचिस्तान के डेरा बुट्टी में रिहायशी इलाके में गिरा मिसाइल। रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान ने परीक्षण के नाम पर दागा शाहीन 3 मिसाइल। सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे से एक दिन पहले फूल खरीदती दिखी रिया चक्रवर्ती, इस दौरान वो सिंपल आउटफिट में नजर आए। 150 करोड़ पार विजय माल्या की फिल्म मास्टर, कोरोना काल की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। सत्यमेव जयते 2 में होगा जॉन का डबल रोल, फिल्म के लिए 10-12 किलो वजन कम किया। धाकर से अर्जुन रामपाल का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है, 1 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म धाकर। मोशन कैप्चर के साथ शुरू हुई आदि पुरुष की टेस्ट शूटिंग की तैयारी, प्रभास और सैफ अली खान स्टारर फिल्म में है आदि पुरुष। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने शेयर की दूसरी ऑडियो डायरी, बताया बचपन में स्मॉल वंडर शो सबसे ज्यादा पसंद आता था। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कोई भी स्टंट कर सकते हैं, कार के ऊपर से स्टंट बोर्ड के साथ लड़के ने बड़ी ही सफाई से स्टंट किया। रेस्टोरेंट में बैठकर लोग खाना खा रहे थे, इतने में बाइक सवार इतनी तेजी से आया कि जैसे हाईवे पर गाड़ी चला रहा हो। गड्ढे और कीचड़ से भरी सड़क पर उलट गई ओवरलोडेड कार, ये वायरल वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। वाटर स्कूटर में जोरदार धमाका हुआ, झील में जैसे ही स्कूटर चलने को तैयार हुआ इतनी जोरदार धमाका हुआ कि राइडर हवा में उड़ गया। डांस करते हुए महिला ने ऐसा स्ट्रेचर किया कि कुर्सी पर बैठी महिला धड़ाम से नीचे जा गिरी, हादसा देख आपस में लगे चौक कर लिए। शेख जी आराम से चहलकदमी कर रहे थे और तभी ऊपर से लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उनके सिर पर आ गिरा और जमीन पर चित हो गए। दोनों पक्षियों में जारी जोर आजमाइश चल रही है और एक ने दूसरे के सिर को इतनी तेजी से दबाया कि उसके मुंह से पूरी की पूरी मछली ही बाहर आ गई। बाढ़ जब भी आती मुसीबत लाती है, लेकिन ये शख्स बाढ़ के पानी में तैराकी कर रहा है, इससे तेज बहाव का डर नहीं है। कार रेसिंग में तरह तरह के करतब देखने को मिलते हैं और ये कार पिछले पहियों पर तेजी से फिसलने लाइन फिनिश लाइन की ओर जा रही है। बर्फबारी के बीच छोटा बच्चा घूमने निकला है, बर्फ के बीच जब वो ऊपर से फिसला तो स्लेज से सीधा बाहर आ गिरा। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।